हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर कंप्लीटिंग, टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर, विच वन इज दिस, चैप्टर नंबर 11 एक्टिविटीज़। चैप्टर नंबर 11 की एक्टिविटीज़ हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन हो गया था, जिसमें प्लांट्स अराउंड अस यानी कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड रूट, तो ये सब हमने स्टडी की थी। ठीक है, प्लांट्स हमें कैसे हेल्पफुल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये सब हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे। मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर, ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको हेल्प बॉक्स से हेल्प लेके। मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर, ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन, आंसर क्या होगा, ग्रीन, तो हम क्या लिखेंगे, GREEN, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। वी गेट डैश फ्रॉम अ प्लांट एंड यूज इट टू प्रोड्यूस क्लोथ्स, हमें प्लांट से एक ऐसी चीज़ मिलती है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, कौन सा प्लांट होता है, कॉटन प्लांट होता है, जिससे हमें कॉटन मिलता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, कॉटन, COTTON, कॉटन। फर्स्ट का क्या है, ग्रीन, सेकंड का क्या है, कॉटन। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, प्लांट्स को क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, सनलाइट की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और एयर की, आंसर क्या होगा यहाँ पे, AIR, एयर, एयर टू ग्रो, AIR, एयर टू ग्रो। फ्रूट्स हैव, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स, इनसाइड डैम, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं, SEEDS, सीड्स, इनसाइड डैम। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, बड़े प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बड़े एकदम वृक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज, क्या बोलते हैं, ट्रीज। तो सबसे फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। सेकेंड में आप लिखोगे कॉटन, COTTON, कॉटन। थर्ड में आप क्या लिखोगे, AIR, एयर, AIR, एयर। फोर्थ में आप क्या लिखोगे, फोर्थ में सीड्स, SEEDS, सीड्स, SEEDS, सीड्स। फिफ्थ में क्या लिखोगे, TREES, ट्रीज, TREES, ट्रीज। फिफ्थ में क्या आएगा, ट्रीज। फिर चलिए अब हम टिक द करेक्ट ऑप्शंस करते हैं। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, बड़े प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब्स, नहीं, श्रब्स तो छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज। तो आप क्या करोगे, इसमें टिक लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रीज में टिक लगाओगे। अ डैश अ सीड या फ्रूट ग्रोज इन टू अ बेबी प्लांट, क्या बेबी प्लांट में बढ़ता है, सीड, सीड जो है वो ग्रो करता है बेबी प्लांट में, सीड से ही बेबी प्लांट निकलता है। फ्लावर्स सीड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, पार्ट, प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट कौन सा है, फ्लावर्स, तो क्या होगा आंसर, फ्लावर्स। सबसे फर्स्ट का आंसर होगा ट्रीज, यहाँ पे टिक लगाओगे, सेकंड का होगा सीड, यहाँ पे टिक लगाओगे, थर्ड का होगा आपका फ्लावर्स, आप यहाँ पे टिक लगाओगे, ठीक है। वी गेट वुल कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, हमें वुल कहाँ से मिलता है, हमें सॉरी कॉटन पैंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एल हो जाएगा, ये मिस्टेक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लांट करना है, और दूसरा हमें कॉटन प्लांट से क्या मिलता है, हमें कॉटन प्लांट से तो वुल ही मिले, कॉटन ही मिलेगा, वुल थोड़ी ना मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉटन। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस हीट या शेड, प्लांट्स हमें क्या देता है, गर्मी या छांव, प्लांट्स हमें छांव देता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, शेड, SHADE, शेड, SHADE, शेड। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ट्रीज, सेकंड का होगा सीड, थर्ड का होगा फ्लावर्स, फोर्थ का होगा क्या है, कॉटन, और फिफ्थ का होगा शेड, ठीक है। चलिए अब हम नेम देम करते हैं, द
पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हैज सीड्स. ऐसा प्लांट का पार्ट बताओ जिसमें सीड्स होते हो. सीड्स किस में होंगे? फ्रूट्स में होंगे. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स. टू श्रब्स, आपको दो श्रब्स के नाम बताने हैं. तो दो श्रब्स के नाम क्या होंगे? देखिए आपको जो इजी लगे, रोज, आर ओ एस ई, रोज, और मैरी गोल्ड, एम ए आर आई, मैरी जी ओ एल डी, गोल्ड, मैरी गोल्ड, आर ओ एस ई, रोज, एम ए आर आई, मैरी जी ओ एल डी, गोल्ड. तो आप ये दो नाम लिखोगे. फिर टू ट्रीज के नाम पूछे हैं. थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में टू ट्रीज के नाम पूछे हैं. इसमें से भी आप बहुत इजी सा लिख सकते हो, जैसे कि मैंगो ट्री, ये दिख रहा है आपको, एम ए एन जी ओ, मैंगो ट्री. और ये नीम ट्री लिख सकते हो, ये भी इजी है, एन डबल ई एम, नीम ट्री. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? एम ए एन जी ओ, मैंगो, टी आर डबल ई ट्री, मैंगो ट्री, एन डबल ई एम, नीम, टी आर डबल ई ट्री, नीम ट्री. द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का सबसे कलरफुल हिस्सा कौन सा होता है? हम सभी जानते हैं फ्लावर होता है. तो हम क्या लिखेंगे? एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर. थ्री थिंग्स अ प्लांट्स नीड्स टू ग्रो, तीन चीज़ें जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था उसमें, किसमें पढ़ा था? फिल इन द ब्लैंक्स में. सनलाइट, वाटर एंड एयर. सनलाइट, वाटर एंड एयर. पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? एस यू एन, सन, एल आई जी एस टी, लाइट, सन लाइट. फिर क्या होगा? वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर. फिर क्या होगा? एयर. तो यहाँ पे ये तीन क्या आएगा? सन लाइट, वाटर एंड एयर. ठीक है. तो पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट हैज सीड्स, तो हमने क्या किया था? इसमें होगा फ्रूट्स, इसमें होगा आपका रोज एंड मैरी गोल्ड, आर ओ एस ई, रोज, एम ए आर आई जी ओ एल डी, मैरी गोल्ड. इसमें आपका क्या होगा? मैंगो ट्री, एम ए एन जी ओ, मैंगो, टी आर डबल ई ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, एन डबल ई एम, नीम, टी आर डबल ई ट्री, नीम ट्री. द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर. थ्री थिंग्स अ प्लांट्स नीड्स टू ग्रो, तीन चीज़ें जो प्लांट्स को जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, वो है आपका, वेयर इट इज, हाँ, एस यू एन, सन, एल आई जी एस टी, लाइट, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर, एंड एयर, ए आई आर, एयर. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. देन वी विल गो टू द अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रैवल एंड सेफ्टी. यानी जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़, कौन से व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, कैसे ट्रैवलिंग करते हैं, और सेफ्टी हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. अभी हम पहले इसका वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं. ठीक है. चैप्टर 12 का ट्रैवल एंड सेफ्टी वर्ड मीनिंग्स आपको इसी तरीके से सुंदर सुंदर अपने नोटबुक में लिखना है. कैसे लिखोगे आप? देखो लो, पहले चैप्टर का नाम लिख लेना. चैप्टर 12, ट्रैवल एंड सेफ्टी वर्ड मीनिंग्स. ह्यूज, सबसे फर्स्ट में क्या है? ह्यूज, एच यू जी ई, ह्यूज. ह्यूज का क्या हो जाएगा? विशाल, वी सा ल, वी सा ल, विशाल, एच यू जी ई, ह्यूज, वी सा ल, विशाल. नेक्स्ट में क्या है? डिस्टेंस, डी आई एस टी ए एन सी ई, डिस्टेंस. डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? दूरी, दूरी. डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? दूरी. देन डेंस, डेंस का क्या हो जाएगा? घना. डेंस का क्या हो जाएगा? घना, डी ई एन एस ई. डेंस का मतलब होता है घना, जैसे घना जंगल, बहुत सारा, बहुत हरियाली, बहुत हरा हरा, बहुत सारे पेड़ होते हैं, जो भी बहुत सारी, एक ही चीज़ बहुत सारी होती है, उसको हम घना बोलते हैं, डेंस. जैसे डेंस फॉरेस्ट नाम लेते हैं. क्यू यानी लाइन में खड़े होना, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, हमेशा बोला स्टैंड इन ए क्यू, स्टैंड इन ए क्यू, बहुत जगह आपने सुना होगा, देखा होगा कि स्टैंड इन ए क्यू लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब लाइन में खड़े रहिए. क्यू यू ई, यू ई क्यू, कतार,
तार, कतार, क तार, कतार, पुल्ड, पुल्ड, खींचा, पुल्ड, खींचा, पुल्ड की स्पेलिंग क्या है? PULLED, पुल्ड, PULLED, पुल्ड, पुल्ड को क्या हो जाएगा? खींचा, खींचा, ट्रैक्स, TRACKS, ट्रैक्स, ट्रैक्स मतलब पटरियाँ, ट्रैक्स होती है ना, रेलवे में जाते हैं हम लोग पटरियाँ देखते हैं, रेलवे में जाते हैं तो हम लोग पटरियाँ देखते हैं ना बहुत सारी, तो वो पटरियाँ, पटरियाँ, पटरियों, ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा, यात्रा, यात्रा हम लोग करते हैं ना, इधर से एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा, यात्रा, यात्रा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 में, जो कि है ट्रैवल एंड सेफ्टी। पहले आपको क्या करना है, ट्रैवल एंड सेफ्टी के वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लिखने हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए 2 सेकंड वेट भी करती हूँ, ये आप देख रहे हैं, आपको आराम से अच्छे से सुंदर राइटिंग से उतारना है विदाउट एनी मिस्टेक, और इनको लर्न भी करना है। एंड आई होप आप पीछे के चैप्टर्स भी लर्न कर रहे होंगे। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।